तक आपने देखा है कि बापूजी ने हर कदम पर अनुपमा का साथ दिया है। अनुपमा की ताकत बनकर उभरे हैं बापूजी, लेकिन इस बार वही बापूजी अनुपमा के अगेंस्ट हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अनुपमा से अपनी सबसे प्यारी बेटी से नाराज हैं बापूजी? स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी अब बदलने जा रही है। अनुपमा के लिए एक के बाद एक चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बापूजी रूठ गए हैं अनुपमा से। बता दें आपको कि वनराज ने मुंबई से लौटने के बाद सबके कान भरने शुरू कर दिए हैं। वनराज अनुज और अनुपमा के रिश्ते को सबके सामने गलत तरीके से पेश करना चाहता है, और इसीलिए उसने एक फोटो दिखाई अनुपमा और अनुज की, जिससे सबको एक गलत फहमी भी हो गई। इस फोटो में अनुपमा अनुज के कमरे में उसे दही खिलाती हुई नजर आ रही है, और वनराज इस फोटो को गलत तरीके से सबके सामने पेश करेगा, जिसके बाद बापूजी अनुपमा से थोड़े से नाराज हो जाएंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या है। हालांकि अनुपमा अपनी तरफ से काफी समझाने की कोशिश करेगी सबको, लेकिन अब कोई भी अनुपमा की एक नहीं सुनने वाला, क्योंकि काव्या और वनराज पहले से ही अपनी कड़वी बातों से सबका मन भर चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुज को जब ये बात पता चलेगी तो अनुज शाह हाउस आएगा। अनुज को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा और सब सोचेंगे कि भला अनुज का यहाँ क्या काम। अनुज कहेगा कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग मुझसे और अनुपमा से नाराज हैं, लेकिन एक बार उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। उसके बाद आप जो सोचेंगे जो कहेंगे मुझे मंजूर है, और मैं कभी भी इस घर में नहीं आऊँगा। तब अनुज पूरी सिचुएशन को बापूजी के सामने लेकर आएगा कि किस तरह उस दिन अनुज और वनराज दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गए थे। इन दोनों ने बहुत डांस किया, एक दूसरे से बातें की, यहाँ तक कि अपने कमरे में जाने की हालत में भी नहीं थे। उस दौरान वनराज को काव्या संभालते हुए ले गई, लेकिन अनुज को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए एक अच्छे दोस्त की खातिर अनुपमा ने अनुज को उसके कमरे तक पहुँचाया और उसे दही खिलाई, ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो और अनुज शांति से सो सके। इसके बाद अनुपमा अपने कमरे में चली गई थी। ये पूरी सफाई देगा जब अनुज, तब जाकर बापूजी और सभी घर वालों को पता चलेगा कि उस रात नशे की हालत में सिर्फ और सिर्फ अनुज ही नहीं बल्कि वनराज भी था। इसीलिए वनराज को खूब डांट पड़ने वाली है। किंजल, समर, पाखी, ये सभी लोग मिलकर खूब सुनाने वाले हैं वनराज और काव्या को। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल अनुपमा में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।